तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर नीलांश वाटर पार्क और रिजॉर्ट यहाँ पे भी बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी तो धूप है क्योंकि 2 बज रहा होगा और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया था, अब लंच वगैरह कर लेंगे उसके बाद पूल के अंदर जाएंगे। पूल का पानी जो है बिल्कुल मस्त है, चिल पानी, ठंडा है एकदम से, तो मज़ा आएगा। पहले कुछ खा लें, तो अभी हम लोगों का ऑर्डर आने में टाइम है थोड़ा सा, तो मिलते हैं पार्क के अंदर, वाटर पार्क के अंदर। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मुझसे जुड़ने के लिए। आराम, लेट जाओ, लेट के कूदो, इधर छाई में लेटो, छाई में, आधे पे छाई है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि आप एक दिन में इसको कवर भी नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने आधा भी नहीं देखा है। और इस एरिया में तो इधर गए भी नहीं है जहाँ पे ये रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ है, रूम वगैरह बने हुए हैं। अभी हम कैंटीन एरिया में है, कैंटीन एरिया भी 2 कैंटीन एरिया दे रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। AC भी है कैंटीन और नॉन AC भी है, दोनों तरीके की कैंटीन यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन भी दे रखी है बच्चों के लिए, तो अभी ये रेडी नहीं है। सबकी अलग अलग टाइमिंग होती होगी और जैसे भी भीड़ होती होगी वैसे ये लोग चालू करते होंगे, तो अभी ये वाले झूले तो हमें चालू हालत में नहीं मिले हैं और ये वाला बस पूल ही मिला है अभी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ा है और कहीं ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आ गई रिजॉर्ट वाले एरिया में और यहाँ पे जो इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 10,000 का आपको पड़ेगा और ये आपका बिल्कुल प्राइवेट एरिया रहेगा, इसमें यहाँ पे पूल भी दे रखा है। ये आपका प्राइवेट यहाँ पे पूरा गार्डन रहेगा जहाँ पर आप चिल मार सकते हैं, नाइट में पार्टी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे रिजॉर्ट के साथ ये वाला गार्डन आपको मिलेगा, जो मैंने अभी दिखाया था ना चेयर वाला, वो तो कॉमन है। उसके बाद इधर से आओ, इधर से, उसके बाद यहाँ पे ये दे रखी है रिजॉर्ट की अलग से कैंटीन, ये वाला एरिया कैंटीन का बहुत ज़्यादा लग्जरी है गाइज, मैंने सोचा भी नहीं था सच बताऊँ तो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई ये जगह, लेकिन क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ से। और ये रहा इनका प्राइवेट पूल, रिजॉर्ट का ये अलग से पूल दे रखा है। आप रिजॉर्ट अगर यहाँ पे बुक करेंगे तो आपको वाटर पार्क वाली तो सारी सुविधा मिलेंगी ही मिलेंगी और ये आपको प्राइवेट पूल भी मिलेगा, इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, आप अपनी फैमिली के साथ इसमें अकेले नहा धो सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी विदेश में आ गई हूँ। वैसे विदेशों में नहीं, जैसे घर बने होते हैं वाइट वाइट से विलास बने होते हैं वैसे ही दे रखे हैं। ये भगवान ही कितना बड़ा है, मतलब कि 2 बज गया मुझे, 2 घंटे हो गए, 12 बजे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर दी थी और 2 बजने जा रहा है, तो 2 घंटों में अभी मैंने, मुझे लग रहा है कि आधा भी नहीं मैंने देख पाया है। ये यहाँ पे इन लोगों का टॉयलेट दे रखा है और यहाँ पे ये रूम्स वगैरह दे रखे हैं। रूम के अंदर का पता नहीं, मैं पूछ के बताऊँगी कि मैं जा सकती हूँ रूम के अंदर, दिखा सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और अंदर की तरफ और मतलब दे रखा है वेलकम टू एडवेंचर पार्क, एडवेंचर जोन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस भी दे रखा है। और ये रहा यहाँ का एक और पूल, बड़े पाले पूल से बहुत हटके ये बना हुआ है, मतलब अलग साइड में। और फूड के लिए यहाँ पर साउथ इंडियन फूड, इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, मुगलई फूड, कई सारे फूड यहाँ पर दे रखे हैं। और वो रहा रीति और आ रहा है, तब तक मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, धूप तो है, कभी धूप हो रही है कभी छाई हो रही है, इस तरीके का मौसम हो रहा है।
तो हल्की हल्की सी मतलब इसी उमस सी हो रही है, हवा भी चल रही है लेकिन उमस भी हो रही है। अभी मैं अंदर जाके देखती हूँ कि मैं आपको और आगे मतलब मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इस एरिया में तो हम लोगों ने अपनी बुकिंग कराई नहीं है, हमारी बुकिंग दूसरे वाले एरिया में है। साफ़ सुथरा भी काफ़ी है यहाँ पे। तो गाइज मैंने अभी अभी जो आप लोगों को पार्क दिखाया था ना, और दो पार्क मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, एक जिसमें चेयर पड़ी थी एक जिसमें चेयर नहीं पड़ी थी, उसके अलावा भी ये भी एडवेंचर पार्क और तीसरा एक पार्क और दे रखा है। भगवान कितना बड़ा है ये, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप मतलब दिन भर में यहाँ पे थक जाओगे घूमते घूमते। इधर देखो सोन, डक है, डक डक है, इधर आओ, इधर धूप हो रही है। अरब तो पता नहीं पशु पक्षियों से कितना प्यार है, एकदम से पकड़ने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे तो एक वन नदी हरी दे रखी है, ये क्या है, वेलकम टू रिवर बीच, यहाँ पे रिवर बीच भी दे रखा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे भाई साहब एक नदी भी है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ना, वेलकम टू रिवर बीच, यानी कि ये एक बीच बना रखा है यहाँ पे नदी के बगल में। और उसके बाद ये मैंने रिजॉर्ट यहाँ पे दिखा रही थी मैं, ये रिजॉर्ट है, उसके आगे ये भगवान मैं तो चलते चलते थक गई हूँ लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा अभी तक। और इसके आगे ये और कैंटीन दे रखी है एक छोटी सी, और ये मैं एडवेंचर पार्क के अंदर आ गई, यानी कि यहाँ पे झूले दे रखे हैं बच्चों के लिए। तो ये दूसरा वाला पार्क है, इसी का ही है ये पूरा नीलांश वाटर पार्क है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, एडवेंचर काफ़ी एडवेंचर जोन लिखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हमारी टिकट के अंदर ही है सारे, मतलब हमारा पूरा पैकेज है वो। तो ये हमें पूरी जो ये ट्रेन दे रखी है वो पूरा घुमाएगी। ओफो गाइज, मैंने अभी पूछा इन लोगों से तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी बिना टिकट के अलाउ नहीं है, और टिकट मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, और ये इन लोगों की ट्रेन दे रखी है, ट्रेन खड़ी है। तो बता रहे हैं अभी तो आपने आधा भी नहीं देख पाया, अभी इतना ही और है, तो ये ट्रेन जो है आपको पूरा विजिट कराएगी, तो आप इससे पूरा जो है वो घूम सकते हैं आगे भी। तो कितने एकड़ में बना ये बता रहे थे, 1500 बीघा में, और ये 1500 बीघा में बना हुआ है। मैंने इनसे कहा ना कि अभी मैंने इतनी देर से मैं चल रही हूँ तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप भी मैं आगे का आपको दिखाऊंगी, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं जो हमने ऑर्डर किया है, उसके बाद हम शाम को यहाँ पे इसके आगे का भी दिखाएंगे। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, यहाँ पे वेलकम टू रिवर बीच के पास आपको यहाँ पे बार दे रखा है, यहाँ पे है एजुरा बार के पता नहीं क्या कर गया है, तो यहाँ पे पूरा बार का है, आप यहाँ पे बियर वगैरह ड्रिंक वगैरह अपने आराम से कर सकते हैं, दे रखा होगा आपको बोर्ड। और यहाँ पे रिवर के पास ये देखिए डक डक एरिया। तो अब हम आ गए हैं 2 बजे पूल के अंदर, खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ऑर्डर दिया फिर बन के आया, उसके बाद करीब आधा घंटा हम लोगों को लग गया वेट कर रहे। इधर आओ, हमारे पास आ रही थी। अरे यार इसमें सारे अंदर घुस जाएंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी पानी के अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देती हूँ, अभी मैं पानी के अंदर नहीं जाऊँगी, ये लोग चले जाएंगे, रीति और रीति के पापा। हाँ कर सकते हैं बेटा गीला, इसको गीला करने वाली तो ड्रेस है ये। तो ये फुल पैसा वसूल है नीलांश वाटर पार्क, आपको इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि आप कभी सोची भी ना होगी कि आपको यहाँ पे कितना मजा आने वाला है। किधर जाओ, धीरे से, छोड़ना नहीं अभी गहरा है वो, बैठा दो तुम उसको, गहरा है ये वो, तुम्हारे लायक तो सही है ना, तुम्हें नहीं गहरा लग रहा होगा। रीति ने स्कूल में स्विमिंग भी करी है तो उसको थोड़ा आइडिया है। हम इनको पानी वगैरह में ले जाते रहते हैं, बस पानी वगैरह में ले जाते रहते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा पानी से इनका डर भी नहीं रहता और स्विमिंग तो सीख ही जाएंगे धीरे धीरे, तो पानी में इस तरीके से रहेंगे तो।
अभी इनके पापा आ रहे हैं कुछ रूम पे। अरे ये चालू हो गई, देखो हम लोग भी अभी ऊपर से आएंगे। तो अब हम लोग कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास फ़ोन नहीं था अभी, क्योंकि पानी के अंदर फ़ोन ले जा नहीं सकते थे, पानी चला जाता फ़ोन के अंदर, तो इसलिए रूम पे रख गए थे।